स्वागत है आपका मेरे चैनल इंटीरियर आवर में। मैं हूँ आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर सुगंधा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ इंटीरियर डिजाइन से जुड़ी कुछ ऐसी खास टिप्स जो आपके काम आएंगे आपके इंटीरियर डिजाइन को खुद करने में। तो अगर आप भी अपने इंटीरियर डिजाइन को खुद करना चाहते हैं बिना किसी की मदद लिए तो भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज का मेरी वीडियो है वो है इंडोर प्लांट्स के बारे में। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि इंडोर प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे इंटीरियर डिजाइन में, तो मैं आपको बता दूं कि इंडोर प्लांट्स जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंटीरियर डिजाइन के अंदर। आजकल इंटीरियर डिजाइन के अंदर इंडोर प्लांट्स बहुत ट्रेंड में है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो आप अपने घर के अंदर यूज कर सकते हैं और कैसे उसको डेकोर कर सकते हैं, किस तरह से उसको रख सकते हैं जिससे कि वो अच्छे भी लगे, सुंदर भी लगे और आपके इंटीरियर को एनहांस करें। तो आज के जो मैं प्लांट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल कम्प्लीटली आपके एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेंगे, जो आपको लोकली अवेलेबल होंगे और जिनकी मेंटेनेंस बहुत ही लीस्ट होगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्लांट की तरफ जो होगा मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सब जानते हैं, सबको ही मनी प्लांट के बारे में पता है, सब मनी प्लांट को रिकग्नाइज कर सकते हैं, सबको उसकी पहचान होती है, आप देखते ही बता सकते हैं कि ये मनी प्लांट है। सबको पता है कि वो रीग्रो कैसे करता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप कहीं से भी ले आइए, मार्केट से परचेज कर लीजिए, बहुत इजीली आपके घर के अंदर ग्रो कर जाएगा, बहुत इजीली अडेप्टेबल होता है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है। मनी प्लांट एक बेस्ट इंडोर प्लांट है जो कि सोयल के साथ साथ वाटर में भी चलता है। अगर आपके घर में कोई भी बॉटल अवेलेबल है आप उसके अंदर भी पानी डाल के और मनी प्लांट डाल सकते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मनी प्लांट जो है वो सबसे अच्छे से ग्रो कहाँ करेगा, तो वो सबसे अच्छे से ग्रो करेगा सॉइल के अंदर। तो अगर हम बात करें इसके अंदर वाटरिंग की, वाटरिंग आपको सिर्फ तब करनी है जब आपकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। अगर आपकी सॉइल ड्राई नहीं है तो आपको मनी प्लांट को वाटर नहीं करना है। अगर आपकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है तो ही आपको मनी प्लांट को वाटर करना है। जो आपको मनी प्लांट है वो इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी वर्क करेगा, लेकिन अगर आप उसको इंडोर में रखेंगे जहाँ पे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, वहां पे उसकी जो लीव्स का कलर होगा वो थोड़ा डार्क ग्रीन होगा, और वहीं अगर आप उसको आउटडोर में रखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है या फिर ब्राइट लाइट आ रही है तो वहां पे उसका थोड़ा सा येलोइश या फिर लाइट ग्रीन कलर होगा। तो जहां भी आपके घर के अंदर कहीं भी विंडो है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है लेकिन अच्छी लाइट आती है, वहां आप अपने मनी प्लांट को रख सकते हैं। आप उसको हैंगिंग में लगा सकते हैं, आप उसको किसी और डेकोरेटिव एलिमेंट के अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ये इमेजेस के अंदर दिखा रही हूँ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ जो होगा क्रोटोन। क्रोटोन इसे प्लांट्स में बहुत ब्यूटीफुल लीव्स आती हैं, अगर आप इसको अपने इंडोर में रखते हो तो वो आपके इंडोर को एकदम से एनहांस कर देगा। बट इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसको मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है, मॉइस्ट होनी चाहिए आपकी सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट हमेशा होना चाहिए एक अच्छे क्रोटोन की ग्रोथ के लिए। अब बात करें अगर इसकी लाइट रिक्वायरमेंट्स की, तो इसको आप शेडेड एरिया के अंदर रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो या फिर बहुत ब्राइट लाइट ना हो। जो इसके लीव्स के कलर है वो वेरी करेंगी एज पर द शेड, जैसे उसके ऊपर शेड पड़ेगी वो वैसे कलर आएंगे उसके, वो येलो भी आ सकते हैं, वो ग्रीन भी आ सकते हैं, वो रेड भी आ सकते हैं। एक ही प्लांट में से आपको इतने सारे शेड्स मिल जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए और वो है वेल ड्रेन सॉइल, सॉइल हमेशा वेट रखिए। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्लांट की जो है स्नेक प्लांट। इसको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल लो मेंटेनेंस हो, यू कैन से बिल्कुल नो मेंटेनेंस प्लांट है ये। बट एट द सेम टाइम इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि ये मोस्ट हेल्दीस्ट प्लांट है। ये हेल्दीस्ट प्लांट ऐसे है क्योंकि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करता है। आप इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं, आप इसको अपने ड्रॉइंग रूम में रख सकते हैं, आप इसको अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, आप इसको अपने बाथरूम में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे आप इसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्नेक प्लांट की रिक्वायरमेंट्स की। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, आपको उसको वाटर करना है हफ्ते में दो बार, मतलब ट्वाइस अ वीक। आपको इससे ज्यादा इसको वाटर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चेक करना है कि जब इसकी सॉइल ड्राई हो गई है तो आपको जाके इसको थोड़ा वाटर दे देना है, बहुत ज्यादा वाटर की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा वाटर डालेंगे तो ये प्लांट डेड भी हो सकता है। मोर ओवर ये इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर जब हम इसको यूज करते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। आप इसको अपने रूम के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं, आप बेड के कॉर्नर में रख सकते हैं, आप सोफे के कॉर्नर में रख सकते हैं। ये उसके इंटीरियर की ब्यूटी को भी एनहांस करेगा और साथ साथ आपके इंटीरियर एनवायरनमेंट को भी अच्छा करेगा। बट अगर आपके घर के अंदर पेट्स हैं या आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं जो कि उस प्लांट की कोई भी लीफ लेके अपने मुंह में डाल सकते हैं, उसको खा सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगी कि ये वाले प्लांट को या तो आप थोड़ी सी हाइट पे रखें जहां तक उनकी अप्रोच ना हो, या फिर आप इस प्लांट को अवॉइड करें। बिकॉज एक टॉक्सिक प्लांट होता है जो कि किसी की भी हेल्थ को खराब कर सकता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्लांट की तरफ जो है अरेका पाम। ये कैसे इंडोर प्लांट है जो कि मैक्सिमम यूज होता है इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर। जैसा कि हमारा इंडिया का एनवायरनमेंट है ये उसके लिए बिल्कुल बेस्ट सुटेबल प्लांट है।
आप अगर इस प्लांट को 2 से 3 महीने के लिए भी बिना वॉटरिंग के छोड़ देंगे तो भी ये प्लांट सर्वाइव करेगा हमारे इंडिया के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये प्लांट लगभग इम्पॉसिबल टू किल प्लांट है। ये प्लांट आपका इंडोर भी चल सकता है और आउटडोर भी चल सकता है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके ऊपर डायरेक्ट या फिर हार्श सनलाइट नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो यही गाइड करूंगी कि आप भी एरिका पाम को अपने इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर जरूर यूज करें। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट प्लांट, दैट इज स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को स्पाइडर प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रो करता है एक स्पाइडर की तरह। जो उसकी लीव्स होती हैं अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए तो वो स्पाइडर की तरह से ग्रो करती हैं। जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक, जो स्पाइडर प्लांट है वो एक लो लाइट प्लांट है। आप उसको लो लाइट में रखिए, उसके ऊपर डायरेक्ट लाइट कभी नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं आनी चाहिए। वॉटरिंग इसकी भी ऐसी करनी है, जब आपको लगा कि सॉइल ड्राई हो गई है तो जाकर उसको वॉटर करनी है। इसकी भी मेंटेनेंस बहुत कम है, बट साथ ही साथ ये इंडोर के अंदर अच्छा भी बहुत लगता है। आप इसको टेबल के ऊपर रख सकते हैं, डेकोरेटिव के अंदर आप इसको हैंगिंग में लगा सकते हैं, जैसे आपकी विश हो आप इसको वैसे लगा सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट प्लांट की तरफ, जो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक बहुत फेमस प्लांट नहीं है, बट इसका एडवांटेज ये है कि बिल्कुल अगर लाइट नहीं है किसी रूम में ये वहां पे भी ग्रो कर लेता है। तो मोस्टली देखा जाए तो ऐसा होता है कि हमारे बाथरूम एरिया के अंदर थोड़ी सी कम लाइट होती है, वहां पे भी इसको अगर रखेंगे वहां पे भी ये ग्रो कर लेगा। जैसे कि हमने एरिका पाम की बात की थी कि आप 2-3 महीने के लिए उसको बिना वॉटरिंग के छोड़ सकते हैं तब भी वो किल नहीं होगा, वैसे ही इसके साथ आप इसको भी 2-3 महीने के लिए बिना वॉटरिंग के छोड़ सकते हैं तो भी ये प्लांट किल नहीं होगा। बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि स्नेक प्लांट का डिसएडवांटेज था कि इसकी भी लीव्स टॉक्सिक होती हैं, तो इसको भी पेट या फिर चिल्ड्रंस की रीच से थोड़ा दूर रखिए। तो ये थे आज के कुछ इंडोर प्लांट्स जिसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है, जो इंडियन एनवायरमेंट को सूट करते हैं और आप इसको अपने इंडोर के अंदर डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल डाल सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वास्तु टिप के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि मैं वास्तु टिप वही शेयर करती हूँ जिस बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आज की वास्तु टिप भी होने वाली है इंडोर प्लांट से रिलेटेड ही। तो आज हम बात करते हैं आपके घर के ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान एक ऐसा प्लेस होता है जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल खाली छूटा होना चाहिए, मतलब कि वहां पे आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपके पास फर्नीचर नहीं होना चाहिए उस जगह पे प्लेस किया हुआ, वो स्पेस एक वैकेंट स्पेस होना चाहिए। फिर भी मोस्टली घरों में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता। लगभग 99% बिल्डिंग्स के अंदर जो हमारा सेंटर ऑफ द बिल्डिंग होता है जो कि ब्रह्म स्थान कहा जाता है वो वैकेंट नहीं होता, तो वो बन जाता है एक वास्तु दोष। तो उस वास्तु दोष को दूर करने का सॉल्यूशन क्या है? उस वास्तु दोष को दूर करने का एक सबसे छोटा और सबसे इजी सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने वहां कोई फर्नीचर रखा हुआ है, मान लीजिए अगर आपने कोई टेबल रखी है या आपने कोई डाइनिंग टेबल रखी है या कोई भी टेबल रखी है, कोई और फर्नीचर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस टेबल के ऊपर, उस फर्नीचर के ऊपर एक मनी प्लांट रख दीजिए, वही उसका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। मनी प्लांट वास्तु दोष को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा। अब बात करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अगर कोई कॉलम बना हुआ है, अगर कोई कॉलम बना हुआ है तो उस कॉलम के आसपास आप मनी प्लांट रख दीजिए, लेकिन उस कॉलम के अगेंस्ट उस मनी प्लांट को आपने सपोर्ट नहीं देना है। तो ये था आज का वास्तु टिप, आप इस वास्तु टिप को जरूर फॉलो कीजिए और अपने वास्तु दोष को दूर कीजिए। आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके घर में या तो ये वास्तु दोष है या जो भी घर के इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर इंडोर प्लांट यूज करना चाहते हैं, जिससे उनको भी गाइडलाइन मिल सके कि इजीली अवेलेबल होने वाले ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी मेंटेनेंस भी कम है और जो आपके इंटीरियर को भी अच्छा बनाते हैं। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपने अगली वीडियो के अंदर जो कि होगी ऐसी ही कुछ इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड स्टे मोटिवेटेड टू टर्न योर हाउस इनटू अ होम विद इंटीरियर आर्ट।